पिछले महीने पीएम मोदी ने सरदार पटेल की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। मोदी सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके कामों के बदले उन्हें एक पहचान देने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने लौह पुरुष की इस विशाल मूर्ति का विरोध किया। कहा गया कि इतनी विशालकाय मूर्ति को बनाने में जितने पैसे खर्च किए गए उतने में तो लोगों के भले के बहुत सारे काम हो सकते थे, लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी को लोगों के लिए खोले जाने के 10 दिनों में जिस तरह लोगों की भीड़ उमड़ी है, उससे सरदार पटेल की प्रतिमा पर उंगली उठा रहे लोगों को जवाब मिल गया है। 31 अक्टूबर को पीएम मोदी द्वारा सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण करने के बाद इसे 1 नवंबर से आम जनता के लिए खोल दिया गया। वैसे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए हर रोज हजारों लोग पहुंच रहे हैं। शनिवार को महज एक दिन में ही 27,000 लोग मूर्ति देखने पहुंचे। मूर्ति देखने के लिए लोगों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम तक लग गया। दिवाली के दिन स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने 16,000 पर्यटक आए और भाई दूज के दिन 20,000। लेकिन भाई दूज के अगले दिन यानी शनिवार को ये संख्या 27,000 पहुंच गई। लोगों की भीड़ कितनी तेजी से उमड़ी है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ बनी टेंट सिटी के सारे टेंट पहले ही बुक हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस टेंट सिटी में करीब 250 टेंट हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में कुल 2989 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस मूर्ति का विरोध सबसे अधिक तो इसी वजह से हो रहा था कि इसमें सरकार ने पैसे बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन जितनी तेजी से इस मूर्ति की वजह से कमाई हो रही है वो हैरान करने वाला है। महज 10 दिनों में मूर्ति देखने आए पर्यटकों से 50 लाख रुपए से भी अधिक की कमाई हो चुकी है। वहीं दिवाली, भाई दूज और उसके अगले दिन महज 3 दिनों में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी ने 1,26,00,000 रुपए की कमाई की है। इस मूर्ति की वजह से आसपास के लोगों को रोजगार भी मुहैया हुआ है। बहुत से लोग तो मूर्ति के रखरखाव में ही रोजगार पा रहे हैं, जबकि आसपास की दुकानें और होटल यहां आने वाले पर्यटकों से खूब कमा रहे हैं। आलम यह है कि इन दिनों आसपास के इलाकों के सारे होटल पूरी तरह से बुक हो चुके हैं, यानी इस मूर्ति की वजह से सरकार की तो कमाई हो ही रही है, साथ ही रोजगार भी पैदा हो रहा है।